हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन सुपर ट्रिक्स। आज हम 12 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के लास्ट में आपको कुछ का एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इस दिवस को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। वह स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1947 से 1958 के अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IICS, UGC आदि की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इन्हें 1992 में भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी सुधारों की पुरजोर वकालत करने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है TN शेषन। इनका पूरा नाम देख लीजिए, तिरुनेलय नारायण अय्यर शेषन, जिन्हें TN शेषन के नाम से भी जाना जाता है। 10 नवंबर 2019 को निधन हो गया। वह भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 12 दिसंबर 1910 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। उन्हें भारत का सबसे प्रभावशाली मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता था। TN शेषन को चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय गेंदबाज द्वारा मात्र 34 T20 इंटरनेशनल मैच में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो इस प्लेयर का नाम है यजवेंद्र चहल। भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए T20 इंटरनेशनल करियर में 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने मात्र 34 T20 मैच में 50 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया है। उनसे पहले आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह भी 50 विकेट पूरे कर चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से बुमराह ने 41 मैचों और अश्विन ने 42 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। वहीं चहल ने 34 मैचों में इस मुकाम को हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो अजंता मेंडिस ने मात्र 26 मैचों में और राशिद खान ने 31 मैचों में यह रिकॉर्ड कायम किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील 11वें ब्रिक्स सम्मेलन 2019 का मेजबान देश है। इस वर्ष के लिए ब्रिक्स की थीम है आर्थिक विकास का एक अभिनव भविष्य के लिए। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों के नाम आपको याद रखना है, ये आपको डायरेक्ट ही याद हो जाएगा। ब्रिक्स से आप देख सकते हैं BRICS। बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है इंडिया यानी भारत, सी का मतलब है चाइना, एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 25 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ईरान में। इससे ईरान के कच्चा तेल भंडार में 1/3 से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि नया तेल भंडार ईरान के खुजेस्तान प्रांत में मिला है। यह 2400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह क्षेत्र करीब 200 किलोमीटर की दूरी में 80 मीटर गहराई तक फैला है।
आज का अगला प्रश्न है, फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 का खिताब जीत लिया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। फ्रांस ने क्रिस्टीना मलदनोविक और कैरोलिन गार्सिया के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इस खिताब पर कब्जा जमाया। फ्रांस ने पिछली बार साल 2003 में अमेरिका को हराकर खिताब जीता था। यह फ्रांस का कुल तीसरा और 16 साल बाद पहला फेड कप खिताब है। आज का अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना और इसके द्वारा जन सामान्य के जीवन में विज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। इस दिवस के को पहली बार साल 2002 में मनाया गया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में सतही युद्ध अभ्यास, वायु रक्षा अभ्यास, हथियार फायरिंग अभ्यास शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले पर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही कितने एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर है 5 एकड़। अयोध्या की विवादित जमीन पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में अपना फैसला सुनाया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS बुलेटिन 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम मृत्यु दर दर्ज की गई है? तो ये आपका केरल है, केरल राज्य। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार दक्षिणी राज्यों में प्रति 1 लाख जन पर MR 77 से घटकर 72 पर आ गया है, जबकि यह आंकड़ा अन्य राज्यों में 93 से घटकर 90 हो गया है। भारत में मृत्यु में साल 2013 से अब तक 26.9% की कमी आई है। केरल ने मात्र मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है। इसने MMR में 46 से 42 तक की गिरावट दर्ज की है। आज का अगला प्रश्न है, क्विज का उत्तर देख लीजिए पहले। निम्न में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है? ये आपका IIT मद्रास है। क्विज का प्रश्न देख लीजिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं आपके विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, MS धोनी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।